बॉलर एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं और सामने आ गए हैं शायान, और ये उम्दा शॉट कवर्स की दिशा में, शानदार चौका शायान के बल्ले से। फिर से बॉलर भागना शुरू किया, सामने शायान और एक और उम्दा शॉट, शानदार छक्का, आउट ऑफ द पार्क, दूसरा छक्का शायान के बल्ले से, सिर्फ 3 रन दूर अपने 900 से। बारी है मैन ऑफ द मैच। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शायान की जर्नी शुरू हो चुकी है एक बार फिर से एक और मैच के लिए। आज क्या प्लानिंग है शायान? गाड़ी में तो सो गए थे, तो क्या प्लानिंग है आज आज के मैच के बारे में? आज बिल्कुल नई टीम से तुम्हारा मैच होने वाला है। आज ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है क्योंकि आज तो बिल्कुल नई टीम है, तो बिल्कुल फ्रेश माइंडेड आया हूँ, 2 दिन का रेस्ट है। ओके, लास्ट मैच में सिर्फ 20 रन पे आउट हो गए थे शायान, तो देखते हैं आज का मैच किस तरीके से घटता है। क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 और पीके स्पोर्ट्स के बीच खेला जाएगा ये 35 ओवर्स का अंडर 13-14 मैच। सिक्का उछाल दिया गया है, विपक्षी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। शायान अपनी टीम के साथ वार्म अप सेशंस में जुट गए हैं। मैच बॉल बिल्कुल तैयार, 10 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 66 रनों के कुल योग पे एक विकेट गंवा चुकी है विपक्षी टीम, और अब शायान गेंदबाजी की कमान संभालने आ गए अपना पहला ओवर लेकर। शायान के लिए मैच नंबर 162 अपने 100 विकेट हॉल से सिर्फ 3 विकेटें दूर। शायान पहली गेंद लेकर अपने पहले ओवर की, और ये मिसफील्ड हो गई और सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। चौके से शुरुआत हुई शायान के स्पेल की, हालांकि ये गेंद भी अच्छी नहीं थी और फील्डिंग भी, जहां पे एक भी रन नहीं था वहां पे चौका मिला। चौथी गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, और ये अच्छी गेंद थी, गली की दिशा में बॉल गई और वहां पे रन आउट, और ये मुश्किल रन लेना चाहते थे और रन आउट करार दिए गए। इसके साथ ही दूसरी विकेट का पतन हो गया विपक्षी टीम के। तीसरी गेंद लेकर शायान अपने तीसरे ओवर की, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, और ये जबरदस्त गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, कंप्लीटली बीट हो गए बल्लेबाज। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की, और इसको ऑन साइड पे खेला है, फील्डर मौजूद, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, और ये पैडों पे लगी है बॉल और शायान को मिल गई है पहली कामयाबी इस मैच में, और इसके साथ ही शायान अपने 100 विकेट के एक और विकेट करीब आ गए हैं, 98 विकेटों पे पहुंच गए शायान इसके साथ ही, अब 2 विकेटें दूर अपने 100 विकेट हॉल से। शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना 5वां ओवर लेकर, 2 विकेटें दूर अपने 100 विकेटों से, और ये अच्छी गेंद, डिफेंस कर दिया, कवर्स की दिशा में बॉल आई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने 5वें ओवर की, और इसको स्ट्रेट ड्राइव खेला था, फॉलो थ्रू में फील्ड की गई बॉल। इसके साथ ही शायान के 5 ओवर का स्पेल खत्म हो गया है, 28 रन खर्च किए और 1 विकेट लेने में कामयाब रहे दोनों ही सलामी बल्लेबाज। डबल एस शायान और स्वर्णमोल निकल पड़े हैं 240 रनों का पीछा करने के लिए। शायान के लिए मैच नंबर 162 अंडर 14 मैच। दूसरी इनिंग्स का आगाज होने ही वाला है, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच गए हैं और आयुष करेंगे दूसरे इनिंग्स की बॉलिंग की शुरुआत। शायान गार्ड्स लेते हुए मैदान के बीचों बीच, फिर से बॉलर ने भागना शुरू किया, अगली बॉल लेकर सामने आ गए हैं शायान, और इसको फ्लिक कर दिया है और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान ने इस तरीके से खाता खोला है अपना शानदार चौके से। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से भागना शुरू किया शायान, बिल्कुल तैयार, और ये ऑन द शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, दूसरा चौका शायान के बल्ले से इस ओवर में। बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर भागना शुरू किया शायान, बिल्कुल तैयार, और इसको खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, शायान के बल्ले से ये तीसरा चौका, और इसके साथ ही शायान डबल फिगर्स में पहुंच गए हैं 12 रनों पे। अगली बॉल लेकर बॉलर एक बार फिर से सामने शायान, और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है और हाथों से रन चुरा लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर, और सामने आ गए हैं शायान, और इसको खेल दिया है ऑन साइड पे एक बार फिर से, और पीछे फील्डर खड़े हैं, हाथों से रन चुरा लिया, एक और रन का इजाफा शायान के खाते में। और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान,
और इसको खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। एक बार फिर से सेम शॉट और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 15 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही शायान। एक और नए गेंदबाज आ गए हैं अपनी पहली ओवर लेकर और सामने आ गए हैं शायान और इसको सीधा खेल लिया है लॉन्ग ऑफ पे, फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार, अच्छी गेंद, बीट हो गए। एक और नए गेंदबाज आ गए अपनी पहली ओवर लेकर और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, फील्डर पीछे मौजूद है, एक और रन का इजाफा शायान के खाते में। एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, चौथा चौका शायान के बल्ले से। बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, शायान बिल्कुल तैयार, एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में खेला, पीछे फील्डर भाग रहे हैं और वहां पे एक और बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री शायान के बल्ले से। इसके साथ ही शायान 5 चौकों की मदद से 27 रनों पे पहुंच गए हैं। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया, सामने शायान और यह उमदा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक और रन का इजाफा, शायान इसके साथ ही 28 रनों पे पहुंच गए, अपने 29th 30 से सिर्फ 2 रन दूर। बहुत ही जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है ग्राउंड के ऊपर और यहाँ पे ये अंडर 14 मैच शायान के लिए 162nd मैच खेला जा रहा है, डे और नाइट का मैच। बॉलर एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं और सामने आ गए हैं शायान और ये उमदा शॉट कवर्स की दिशा में, शानदार चौका शायान के बल्ले से, ये 6th बाउंड्री। इसके साथ ही शायान ने अपना 29th 30 मुकम्मल कर लिया है, उमदा बल्लेबाजी। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर, सामने शायान और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक और रन का इजाफा शायान के खाते में। स्पिन गेंदबाजी की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको मिड विकेट की दिशा में खेला है और यह सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, स्वागत किया है चौके से स्पिन गेंदबाजी का शायान ने। इसके साथ ही 7 चौकों की मदद से 37 रनों पर पहुंच गए हैं। एक और नए स्पिन गेंदबाज आ गए हैं और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की तरफ और एक रन लेने में कामयाब हो गए। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर और यह उमदा शॉट करारा प्रहार एक कवर्स के ऊपर, शानदार चौका, 8वां चौका शायान के बल्ले से। फिर से बॉलर सामने शायान और एक और उमदा शॉट कवर्स के ऊपर और एक और रन लेने में कामयाब हो गए मिसफील्ड के चलते। एक बार फिर से बॉलर सामने शायान और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, हालांकि थोड़ी देर तक ये बॉल हवा में फिर थी और इसके साथ ही एक और चौका शायान के बल्ले से, 9th बाउंड्री, 48 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही। और बॉल लेकर बॉलर शायान बिल्कुल तैयार, अपने 29th 50 से सिर्फ 2 रन दूर, एक और रन लेने में कामयाब हो गए इसके साथ ही, 49 रनों पे पहुंच गए हैं। शायान सामने 49 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये उमदा शॉट और इसके साथ ही सीमा रेखा के पार, 9th बाउंड्री शायान के बल्ले से और इसके साथ ही शायान ने अपना 29th 50 मुकम्मल कर लिया है। वेल प्लेड, फिर से बॉलर सामने शायान, इसको मिड विकेट की दिशा में खेल के वहां पे रन लेना चाहते थे, हालांकि ये मिसफील्ड के चलते सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल और इसके साथ ही शायान के बल्ले से ये 11th बाउंड्री। जबरदस्त धुंध, बहुत ही जबरदस्त कोहरा, ग्राउंड पे विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, 9 बज चुके हैं रात के और इस वक्त क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 का स्कोर 105 रन हो गया है, 105 2 विकेटों के नुकसान पे 15 ओवर्स के खात्मे के बाद। शायान एक बार फिर से आ गए हैं सामने बल्लेबाजी के लिए और तेज़ गेंदबाजी की शुरुआत एक बार फिर से होने वाली है। और नए ओवर लेकर पहली गेंद सामने शायान और यह उमदा शॉट करारा प्रहार सीमा रेखा के पार, शायान के बल्ले से ये 12th बाउंड्री। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको फ्लिक कर दिया है और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, शानदार चौका शायान के बल्ले से, ये 13th बाउंड्री। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर सामने शायान और ये उमदा शॉट करारा प्रहार और ये शानदार छक्का शायान के बल्ले से, पहला छक्का इस मैच में और इसके साथ ही शायान 73 रनों पे पहुंच गए हैं। एक बार फिर से भागना शुरू किया, सामने शायान
और ये उम्दा शॉट, एक और बाउंड्री शायान के बल्ले से, ये 14th बाउंड्री, एक छक्का। फिर से बॉलर भागना शुरू किया, सामने शायान और एक और उम्दा शॉट, शानदार छक्का, आउट ऑफ द पार्क। दूसरा छक्का शायान के बल्ले से, इस तरीके से शायान 83 रनों पे पहुंच गए हैं 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको कवर्स की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर, सामने शायान और ये जबरदस्त बॉल, अच्छी उछाल। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर भागना शुरू किया, सामने शायान और ये उम्दा शॉट गली की दिशा में और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान के बल्ले से ये 15th बाउंड्री, 2 छक्के, 88 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया है गली की दिशा में और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान के बल्ले से ये 16th बाउंड्री, 2 छक्के, 92 रनों पे पहुंच गए हैं। गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर, सामने शायान और इसको घुमा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 17th बाउंड्री, 2 छक्के, शायान के बल्ले से ये 97 रनों पे पहुंच गए, सिर्फ 3 रन दूर अपने 900 से। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान, सिर्फ 3 रन दूर अपने, और ये पैडों पे लगी बॉल और 97 रनों के ऊपर आउट हो गए शायान। इसके साथ ही 209 रनों के कुल योग पे तीसरी विकेट का पतन हो गया है, अपने 9th सेंचुरी से चूक गए शायान। एक और बॉल लेकर बॉलर, सिर्फ 4 रनों की दरकार और ये शानदार छक्के से मैच का खात्मा किया है चैतन्य ने और इसके साथ ही शानदार जीत क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 की, 6 विकेटों से शानदार बल्लेबाजी, वेल प्लेड बॉयज। इसके साथ ही मैच का खात्मा हो चुका है और शायान जमाल आज के मैन ऑफ द मैच हुए हैं। क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने इस मैच को 6 विकेटों से जीत लिया है। पीके स्पोर्ट्स और क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 के बीच आज अंडर 14 का मैच खेला गया जिसमें शानदार जीत मिली है क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 को। बारी है मैन ऑफ द मैच की, शायान बने हैं आज के मैन ऑफ द मैच, शानदार 97 रनों की पारी खेली, 1 विकेट लिया और 1 शानदार कैच भी, बिग हैंड, वेल प्लेड।